वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एंड लेबर की जो भी क्वांटिटी वो आज हम निकालने वाले हैं गाइज। ओके, इसके पहले वीडियोज में आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइज। वहाँ पर हमने डिटेल में अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर का वीडियो डिटेल में बनाया गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पर अपना पर डे के लिए हिसाब से आपने कितनी क्वांटिटी एक लेबर कर सकते हैं वो आपने इजी वे में आपको निकाल के दिया है गाइस। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस आईटी इंजीनियर के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने क्वांटिटी कितने लेबर कंप्लीट कर सकता है एक दिन में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर एंड मटेरियल की। ये जो क्वांटिटी है गाइज हमने निकाली 100 क्यूबिक मीटर के लिए, 100 क्यूबिक फीट के लिए, ओके, और 1 स्क्वायर फीट के लिए कुछ क्वांटिटी है। यहाँ पर 100 क्यूबिक फीट यानी कि 1 ब्रास अपना, ओके। तो 1 ब्रास के लिए अपना 1 PCC हो 1:4:8 वर्क का, तो आपको सीमेंट बैग चाहिए गाइज 947 अपना सैंड, और उसके बाद हमारा एग्रीगेट है वो 94 क्यूबिक फीट में होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 1 स्किल्ड और 3 अनस्किल्ड लेबर इसको कंप्लीशन करने के लिए। ये 1 डे के हिसाब से है गाइस, 1 डे के लिए वर्किंग में आप इतना वर्क कर सकते हो गाइस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा हमारे फूटिंग शेड्यूल और डिज़ाइन के बारे में, और जिसे आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो एज अ थंब रूल। तो जो लास्ट के इंटरेस्टिंग फैक्ट का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को स्किप मत करना और कंटिन्यू एंडिंग तक देखना गाइस। बहुत सारी चीज़ें हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, तो प्लीज़ ज्वाइन करो गाइज। बहुत सारे डेली अपडेट और जॉब के रिगार्डिंग अपडेट वहाँ पर मिलेगी गाइज। आप अगर फ्रेशर हो तो आपको ये इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइज। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है गाइज हमारा जो भी 1:3:6, 1:2:4, 1:1.5:3 M20 ग्रेड हमारा, उसके बाद 1:2 M20 M15 और M20 ग्रेड है हमारा, ओके। उसके बाद 100 क्यूबिक मीटर के लिए हमारी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी है गाइस। यहाँ पर आप 1 स्किल्ड लेबर और 3 आपने अनस्किल्ड लेबर उसे कंप्लीट कर सकते हैं गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो गाइस यहाँ पर, ओके। तो ये सारी चीज़ें एज साइड इंजन आपको आनी चाहिए गाइस। आपको ये तो ड्राइव वॉल्यूम के लिए आपको वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.54 से। इसका डिटेल में हमने वीडियोस पहले भी बनाए गाइस, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। डिटेल में डिस्कस किया आपको 1.54 क्या है और उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद है गाइज हमारा ब्रिक्स सीमेंट मोटर, जो कि रेशियो हमारे 1:5, 1:6, 1:4, 1:10 और 12। इसकी क्वांटिटी 1 क्यूबिक फीट के लिए 100 क्यूबिक फीट। इसका जो सेम है गाइज, इसका 1 क्यूबिक फीट कंटेन 20% वेट वॉल्यूम। उसके बाद इसको ड्राई के लिए आपको 1.54 से वेट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे जो भी क्वांटिटी आएगी गाइज, उसको आपको 1.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपकी ड्राई वॉल्यूम निकल के आएगा और वो क्वांटिटी आपको लेनी है गाइज ऑन साइट। तो ये सारे रेशियोज के लिए ये हमारा 100 क्यूबिक फीट के लिए क्वांटिटी है गाइज, जो कि हमारे सीमेंट बैग सैंड और एग्रीगेट तो नहीं लगेगी इसके लिए। इसके लिए आपको लगेगा ब्रिक्स, ये ब्रिक्स की क्वांटिटी और यहाँ पर हमारे मजदूर। अगर आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 क्यूबिक फीट में हमारा होता है 1350 ब्रिक्स, सही है। उसके बाद आपको जो भी रेस है हमारा 1:4, 5, 6, 7,
उसको 100 क्यूबिक के लिए हमारा बैग लगते हैं 3, 4, 4.8। ये हमारे यहाँ से थम रूल्स होते हैं गाइस, आप इसको मल्टीप्लाई किया तो भी आपको क्वांटिटी निकाल सकते हैं इससे भी। उसके लिए सैंड चाहिए गाइस, आर्टिफिशियल सैंड हो या अपनी रिवर सैंड हो, वो चाहिए 26 क्यूबिक फीट। ओके, यानी कि 0.26 ब्रास। ओके, या जिसके बाद आपको आपको चाहिए 3 स्किल्ड और 3, 6 अनस्किल्ड मजदूर, जो कि आपके लिए हर एक साइड पे होने चाहिए। तो ये लेबर, फिर उसके बाद ये मटेरियल, और उसके बाद है हमारी क्वांटिटी और इसका प्रोपोर्शन साइज। उसके बाद है गाइज, अगर आपको डैम प्रूफ क्रॉस यानी कि DPC वर्क करना होता है तो आपको 2 इंच थिकनेस और 1 इंच थिकनेस के लिए आपको रेशियो 1:1.5:3, 1:2:4 ये रेशियोज़ किया, तो आपको 1 स्क्वायर फीट के लिए आपको चाहिए 0.03 बैग सीमेंट, 0.07 क्यूबिक फीट सैंड। ओके, तो ये चाहिए गाइस आपको इसको 100 क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 100 स्क्वायर फीट को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा दोनों तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हमने सीमेंट कंजप्शन देखा था गाइस, जो कि हर एक कॉलम के ऊपर कितना सीमेंट चाहिए, आपने हमारे पहले वीडियोस में हमने भी डिस्कस किया है। यहाँ पर हर एक कॉलम के लिए हमने क्वांटिटी निकाल कर उसका शेड्यूलिंग, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की है गाइस। ओके, तो एक्टिविटी क्वांटिटी सीट है हमारी, यहाँ पर आप इजीली कितने कॉलम क्वांटिटी के लिए आपको कितने बैग लगने चाहिए सीमेंट के, आपने इजीली इजी वे में निकल रहा था गाइस वहाँ पर। हमने आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, जो भी डिज़ाइन मिक्स होता है उसके ऊपर RCC के जो भी कंसेप्ट है वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएगा गाइस। एक साइट इंजीनियर का रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, उसके बाद DPR कैसे लिखा जाता है, चेकलिस्ट कौन कौन सी होती है साइट पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखेंगे गाइस हमारा जो भी प्लास्टरिंग वर्क है। ओके, सीमेंट प्लास्टर है हमारा 1/2 इंचेस, ओके 12 mm के आसपास। ओके, 12 PMM यानी कि 1/2 इंचेस, 25 mm यानी कि हमारा 1 इंचेस। इसका रेशियो 1:6, 1:5, 1:4। हमने उसकी क्वांटिटी ली है गाइस 100 स्क्वायर फीट में। उसके जो भी सीमेंट बैग लगने वाले हमारे 0.077। उसके बाद जो भी हमारी सैंड की क्वांटिटी है 5.8 क्यूबिक फीट। ओके, तो ये क्यूबिक फीट में हमारी क्वांटिटी, सीमेंट बैग में क्यूबिक फीट में, क्रश सैंड क्यूबिक फीट में, स्टील टन में, ब्रिक्स नंबर्स में, अनस्किल्ड लेबर नंबर्स में, अनस्किल्ड अनस्किल्ड लेबर 1 डे के लिए है हमारा वर्क, इतने क्वांटिटी के लिए, वो कितने भी दे में करे मगर इतने क्वांटिटी के लिए है हमारा वर्क। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने आपके लिए लाए गाइज मैंने, आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए गाइज। आप इजीली अपने G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो गाइज इंडिपेंडेंटली। ओके, इंडिपेंडेंटली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो पे इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको देख के, कि हर एक G+2 स्टोरिंग बिल्डिंग आप इजीली इजी वे में उसको डिज़ाइन कर पाओगे और उसको एग्जीक्यूशन कर पाओगे। इतना तो नॉलेज मैंने आपको दिया है गाइस, आप इंडिपेंडेंटली अपना घर बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स का घर बना सकते हो। ओके, हर एक डिज़ाइन कंसेप्ट मैंने आपको लिए क्लियर किया है गाइस। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना है, एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ खास चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो गाइज, आज का जो थंब रूल से गाइज, एज ए सिविल साइट इंजीनियर आपको हर एक चीज़ पे कंसंट्रेशन करना पड़ता है, हर एक चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए। ये तो हुई हमारी पूरी लेबर, स्किल लेबर, अनस्किल लेबर की पर डे में होने वाला वर्क, उतना उतना एक कैपेसिटी कवर कर सकते हैं इतना वर्क। ओके, तो आप इसके हिसाब से 1 डे के लिए आपको जितना भी क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब का वर्क आपको कितने दिन में कितने लेबर से कंप्लीट कर सकते हो या आप निकल सकते हो गाइज इजीली,
अगर अपना 10 मीटर क्यूब का वर्क है एक्सकैवेशन का, तो आपको कितना टाइम लगेगा और कितने लेबर चाहिए वो आप इजीली नहीं कर सकते हो गाइस इससे। तो ये टेक्स आपको, आई होप आपको अच्छी लगी हो गाइस। अगर आप इस्टीमेशन करते हो तो आपको एक स्किल लेबर का पेमेंट और एक अनस्किल लेबर का पेमेंट तो पता होता है। ओके, स्किल की जो भी हाजिरी है वो 700 या 800 और अनस्किल की 400 या 350 के आसपास लेबर और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग होती है। ओके, तो उसका ओवर टाइम भी होता है, वो आपको पता होना चाहिए गाइस हर एक चीज़। एज अ साइट इंजीनियर है उसका पेमेंट शेड्यूल कैसा होता है, डेली होता है या फिर उसका वीकली होता है या फिर मंथली होता है, या फिर एज साइट इंजीनियर के हिसाब से आपको वो देखना पड़ेगा गाइस। अगर आपको एक क्वांटिटी पता है उसका, कितने क्वांटिटी का वर्क कितने लेबर कर सकते हो पता है, तो आपको रेट पता होने के बाद आपका कितना वर्क कितने मजदूर कितना एस्टिमेशन में कर सकते हो आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो गाइस। आपको समझ में आ रहा है गाइस? अगर आपको लेबर क्वांटिटी पता है, ओके क्वांटिटी आप वो इजीली निकाल सकते हो मेरे वीडियोस देख के, उसका कन्वर्जन भी आपको पता है। उसके बाद आपको कितना क्वांटिटी में कितने लेबर चाहिए वो आपको लेबर्स के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा गाइस। ओके, और आपको एक रेट एनालिसिस चाहिए। ओके, रेट एनालिसिस जो कि इम्पोर्टेंट होता है, एनालिसिस डेली मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं उसके हिसाब से आप इसका हर एक चीज़ का आपको कॉस्टिंग और इस्टीमेशन निकाल सकते हो गाइस। हर एक चीज़ का कॉस्टिंग आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको तो लेबर पता है कितना वर्क कितने दिन में कर सकते हो, यह हमारा क्वांटिटी पर डे के लिए निकाला है गाइस। हमने पर डे के लिए आपको बताया कितने लेबर होने चाहिए, यहाँ सर आप देख सकते हो। क्वांटिटी निकाल कर आपको बस रेट से उसे मल्टीप्लाई करना है, आपको कॉस्ट इस्टीमेशन शीट मिल जाएगी इसकी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को कंटेंट अच्छा लगा होगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। जो भी फ्रेशर इंजीनियर है, फ्रेशर साइड पे जाने वाले इंजीनियर है गाइज, उनके साथ वो वीडियो शेयर करो गाइज, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है गाइज। अगर आपको एज अ साइड इंजीनियर ये सारी चीज़ें आती है, तो आप अपना बाय एक्सपीरियंस आप अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो गाइज, एज अ साइट इंजीनियर, एज अ अपना कंस्ट्रक्शन फर्म ही खुद का स्टार्ट कर सकते हो गाइज, जो कि हमारे नीड है। आप वो अपने खुद का बिजनेस आपके लिए नीड है गाइज, आपका खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर डेली अपडेट मिलेगी गाइज, जो कि हमारे जॉब के रिगार्डिंग हो या फिर स्टडी ई बुक्स, आपके जो भी डिज़ाइन के रिलेटेड जो भी डाउट हो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हो गाइज। अगर आप चाहे तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर फ्री के जो वेबिनार्स होते हैं गाइज, वेबिनार्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। जो भी वेबिनार्स होते हैं हमारे वीकली, उसकी लिंक वहाँ पर मिलेगी गाइज। ओके, तो वेबिनार के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो गाइज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, इस्टीमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दी है मैंने। थैंक
थैंक यू। तो गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, और उसका ब्रोकरेज भी 0% है 20, जो कि हमारे हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अपस्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो अपस्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस, जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। गाइस, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, ऑफ स्टॉक है, और जीरो दाए, और हमारा नया आए वाला फायर से, इसके ऊपर खास ऑफर से गाइस। अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी VIP ग्रुप है उसके ज्वाइनिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी VIP ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। आई हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइस, जो कि पार्किंग प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको RCC डिज़ाइन चाहिए फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज अ स्टडी पर्पस कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है, तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइस। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है एज अ स्टडी पर्पज आपको चाहिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इसके इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइस, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू।